ऑरेंज लाइन ट्रेन चलने से पहले ही पटरी से उतर गई। तब्दीली सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के फंड्स रोक लिए गए। 13 करोड़ रुपए के फंड्स महकमा स्कूल एजुकेशन को मुंतकिल। फंड से महकमे का सिस्टम ऑनलाइन बनाया जाएगा। महंगाई में जकड़े आवाम के लिए एक और बुरी खबर। रिहायशी और तिजारती इमारतों पर खौफनाक सफाई टैक्स लगाने की तजवीज। 5 मरले के घर को 430 और 10 मरले वाले को 860 रुपए माहाना देना होगा। कमर्शियल इस्तेमाल होने वाली जगह का फी मरला टैक्स 430 रुपए मुख्तस। LWMC का सफाई टैक्स से 8.25 अरब रुपए इकट्ठा करने का मंसूबा। टैक्स तफसीलात की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। टैक्स का नफाज काबीना कमेटी पंजाब से मशरू। रेस्क्यू 1122 का अनोखा कारनामा। 28वें दस्ते की दोबारा पासिंग आउट परेड मुनाकिद कर दी। एक ही बैच को दोबारा पास आउट परेड मुनाकिद करके पंजाब हुकूमत को भी मामू बना दिया। 28वें दस्ते की परेड 27 सितंबर को हुई थी। लेटर जारी करके कैडेट्स को पासिंग आउट के लिए दोबारा बुलाया गया। लेटर की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि सितंबर में पासिंग आउट परेड थी, जबकि एक रोज कबल तकरीब ग्रेजुएशन की गई थी। रेस्क्यू 1122 में करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन ने डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर को तलब कर लिया। 4 सगे भाइयों को भर्ती करने का रिकॉर्ड समेत अहम दस्तावेजात भी मांगी। बैरून मुल्क जायदादें, FBR ने शिकंजा कस लिया। मजीद पाकिस्तानियों की तफसीलात हासिल कर ली। 579 पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, नोटिस भिजवा दिए। मुल्क भर के लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स में कायम ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जोन को केसेस भिजवा दिए। LTU लाहौर के ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जोन को 132 शहरियों के केसेस मुंतकिल। लाहौर हाईकोर्ट का शहर के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाली केस की समाअत। 126 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल कर दिए गए। 94 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फनी खराबी के बायस नहीं चल रहे। MD वासा ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने मेयर लाहौर को भी आज तलब कर लिया। शहर में मौसमी सरमा की वक्फे से पहली बारिश। खुश्क सर्दी को भगा दिया। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, डेविस रोड, केनाल रोड, मॉल रोड और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर हाईकोर्ट का मसाजिद और मजारात के वजू का पानी पौधों को लगाने का हुक्म। ऑटोमेटिक सिस्टम पर मुंतकिल ना होने वाले सर्विस स्टेशन 10 रोज में बंद कर दिए जाएंगे। अदालती अहकाम पर अमल ना करने वालों को जेल भिजवा देंगे। तमाम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से पानी के बिल वसूल किए जाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स, पानी की एक एक बूंद कीमती है। अदालती हुक्म पर मीनोआन अमल दरामद करवाया जाए। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर की मीडिया से गुफ्तगू। पांच नए जच्चा बच्चा अस्पताल बनाने का मंसूबा तैयार। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में ज्यादा बच्चे लाए जाते हैं, बेड्स बढ़ाने का सोच रहे हैं। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद का पंजाब असेंबली के वक्फा सवालात में इजहार ख्याल। स्पीकर प्रवेज इलाही ने कहा, सारा बोझ लाहौर में है, टीचिंग अस्पताल में ही बच्चों के हवाले से अपग्रेड कर लें। स्पीकर का मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का महकमा सेहत को ऑडिट करवाने का हुक्म। आमिर हुकुमरान के दाएं बाएं घूमने वाले हमें एहतसाब का लेक्चर दे रहे हैं। बातें करने और आवामी मसाइल हल करने में जमीन आसमान का फर्क है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, अपोजिशन का मकसद 100 दिनों का एजेंडा याद करवाना है। ये लोग शरीफ बरादरान के खिलाफ एक पाई की करप्शन भी साबित न कर सके। PP 168 का जिमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुतहद हो गई। अजीजुरहमान चंद कहते हैं, जमहूरियत के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। PP 168 से नून लीग को ही कामयाब करवाएंगे। असलम गुल बोले, मुल्क में जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, हमने जेलें काटी हैं, जाली वजीर आजम को नहीं मानते। P
DP 168 के जिमनी मार्के में दो रोज बाकी इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी। PTI के उम्मीदवार मलिक असद खोकर जीत के लिए पुराजम कहते हैं कि हल्का नून लीग नहीं मसाइल का गढ़ है, मुंतखब होकर आवाम की महरूमियां दूर करूंगा। मलिक असद खोकर की अहलिया भी मुतहर्रिक, आयशा असद की कमाहा और बहादुर आबाद में खवातीन वोटर से मुलाकातें। अगर मैं करप्ट था तो 10 बरसों में नून लीग ने कार्रवाई क्यों ना की, नून लीग की दुम पर पांव आया तो उन्हें नैब में नुक्स नजर आ रहे हैं। कोई एक ऐसा केस बताएं जो इमरान खान के दौर में बनाया गया हो, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले किसी की वजारत जाते हुए नहीं देख रहा। चेहरे तब्दील हो गए मगर निज़ाम वही है, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। बड़े बड़े वादे और दावे हुकूमत के गले की हड्डी बन गए। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले रुपए के अलावा हर शय महंगी हो गई है। बिलावल बच्चा है पर मन का कच्चा है, हमजा को रोज बुलाता हूँ आजा तैनू अखियाँ उड़ीक दियाँ, फयाजुल हसन चौहान की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ कहते हैं मेरी मर्जी के बगैर डॉलर महंगा नहीं होता, पीपल्स पार्टी ने लूट मार करके मुल्क का बुरा हाल कर दिया, गरीब नान वालों के अरबों के अकाउंट निकल रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान की बदजुबानी की शदीद मजम्मत करते हैं, फयाजुल हसन चौहान आप फरिश्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की जातियात पर बात करना पीपल्स पार्टी का कभी भी खेवा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं हसन मुर्तजा और चौधरी मंजूर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इमरान खान के खिलाफ कोई इदारा एक्शन नहीं ले रहा। पंजाब हुकूमत के 100 रोज कोई काम नहीं, बस शोर ही शोर। ईवान वजीर आला और सेक्रेटेरिएट में 52 इजलास हुए, लोकल गवर्नमेंट समेत पंजाब असेंबली में कोई कानून पेश ना हो सका, कायमा कमेटियां वजूद में आ सकी ना 60 अहम तयनातियां हो सकी। सीएम ऑफिस से 712 डायरेक्टर्स जारी, 340 के करीब सिर्फ डेरा गाजी खान के लिए थे। सेक्रेटेरिएट में पर्ची सिस्टम का राज, 23,000 फाइलें जेरे इल्तवा, प्रोटोकॉल बरकरार, नौकरियों के दावे हवा में उड़ गए, उल्टा बेरोजगारी बढ़ी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शाहदरा चौक में ट्रैफिक मैनेजमेंट का आर्जी और मुस्तकिल प्लान तैयार, शाहदरा चौक से लारी अड्डा की मुंतकली और यूटर्न की तामीर मरम्मत और बहाली का फैसला कर लिया गया। LDA ज़िलाई हुकूमत और महकमा CNW मुश्तरका तौर पर प्लान पर अमल दरामद करेंगे। मॉडल टाउन, लिंक रोड, टीम ब्लॉक, मून मार्केट, इकबाल टाउन, गुलशन रावी में तजावुजात खत्म क्यों नहीं हुई, मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड अभी तक क्यों कायम हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सालेह सईद मुतालिका अफसरान पर बरहम, तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड फौरी खत्म करने के अहकाम, अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बगैर नोटिस तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोका जाए, शाहआलम मार्केट के ताजरों ने हुकूमत से मुतबादल जगह फराहम करने का मुतालबा कर दिया। वक्त की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से मुलाकात, ताजरों का कहना है ज़िलाई इंतजामिया तजावुजात की आड़ में जायज़ तामीरात भी मिसमार कर रही है। टैक्स रिटर्न जमा कराओ वरना जुर्माना दो, सेल्स टैक्स ना जमा कराने वाली वीजा एजेंसीज रेवेन्यू अथॉरिटी के रिडार पर, 15 को शो कॉज नोटिस, 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। पीर सैयद हाफिज मोहम्मद इरशाद शाह का 21वां सालाना उर्स, वाल्टन में उर्स की तकरीब में डॉक्टर ताहिरुल कादरी, सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह, ईरानी सफीर ने शिरकत की। तकरीब से डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने खिताब किया, कहा ऐसी महफिलें जिनमें अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र हो हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। नात खानों ने हदिया नात पेश करके महफिल समा बांध दिया। अबारी होटल में विमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के उनवान से नेशनल कन्वेंशन इख्तिताम पजीर, चेयरपर्सन विमेन कमीशन ऑफ पंजाब फौजिया बकार, MPA राहिला खादिम, MPA मुसरत जमशेद की शिरकत, इलाकाई सतह पर सियासत में खवातीन को दरपेश मसाइल से आगाही दी गई।
और UAE में इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस समेत दीगर मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स की शिरकत। सी पैक मनसूबे से मुतालिक मालूमात फराहम की गई।